हाय, तो आज हम देखेंगे व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल। वी नो ट्रायंगल मेड बाय थ्री साइडेड क्लोज फिगर। ओके, सिमिलरली विच फिगर वी गेट यूजिंग फोर लाइन सेगमेंट्स। लेट्स सी, फोर साइडेड क्लोज फिगर। देखिए यहाँ पे फोर साइड से बनी हुई फिगर है। डिफरेंट वे से हम बना सकते हैं, उसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, so all these are quadrilateral having four sides. So why it is called quadrilateral? Because quad means four and lateral means sides. So that four sided closed figure is called quadrilateral. All these are different quadrilaterals. Okay, so let's see in this figure A B C D इज अ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे फोर वर्टेक्स है ए बी सी एंड डी। ओके, सो फोर लाइन सेगमेंट्स है इस क्वाड्रिलेटरल में। लेट्स सी, लाइन सेगमेंट्स ए बी, लाइन सेगमेंट बी सी। कितने लाइन सेगमेंट से बनी है? फोर। सो लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट बी सी, लाइन सेगमेंट सी डी एंड लाइन सेगमेंट डी ए। इन दिस वे फोर एंगल्स है यहाँ पे। लेट्स सी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। हर एक एंगल को हम डिफरेंट वे से लिख सकते हैं। लेट्स सी, एंगल ए को हम लिखेंगे एंगल डी ए बी या एंगल बी ए डी। ओके, लिख सकते हैं। सिमिलरली एंगल बी को लिखेंगे एंगल ए बी सी या एंगल सी ए बी। अब देखिए जो वर्टेक्स है, एंगल वर्टेक्स है जहां पे एंगल मेड होता है, उसको हम मिडल पे लिखेंगे, सेंटर पे लिखेंगे। लेट्स सी, ए बी सी को हमने बी पे, बी को सेंटर में लिखा है। सिमिलरली ओके, सी बी ए में देखिए बी को सेंटर में लिखा है क्योंकि एंगल मेड एट पॉइंट एट वर्टेक्स बी। ओके, सो इन दिस वे लेट्स सी फॉर सी। सी को हम बोलेंगे बी सी डी या एंगल डी सी बी। फॉर डी लेट्स सी, सी डी ए या ए डी सी। इज दिस अ क्वाड्रिलेटरल? लेट्स सी, इट इज क्लोज फिगर, इट मेड बाय फोर लाइन सेगमेंट्स एंड इट हैज फोर वर्टेक्स, फोर एंगल्स। सो दिस फिगर ए बी सी डी इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। यस, दिस इज quadrilateral. So let's see different types of quadrilateral: square, rectangle, rhombus and so on. All these are quadrilaterals. Okay, is a quadrilateral a polygon? Yes or no? Let's see in this figure. It is closed figure, it made by line segments. ओके, सो एवरी क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगॉन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।